हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग करेंगे डाउट क्लास, जिसमें 3.1 एंड 3.2 के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। टाइम बच गया तो फिर 3.3 पे भी हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे चल सकते हैं। तो 3.1 से जो डाउट निकल कर के आया है वो है क्वेश्चन नंबर थ्री। इसमें दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। हाँ बोलो वत्सल। क्या बोल रहे हो? नाउ सी, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, यानी 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg, एक महीने बाद 4 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स का कॉस्ट हो जाता है ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो क्या करेंगे देखना, लेट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी एक्स एंड वाई। तो इक्वेशन क्या बनेगी बता सकते हो? इक्वेशन बनेगी, जब 1 kg का प्राइस हमने एक्स और वाई माना है तो यहाँ पे है 2 kg, यहाँ पर है 1 kg, तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ठीक है, 1 kg का अगर x है तो 2 kg का 2x हो गया, 1 kg ऑफ ग्रेप्स का अगर y है तो 1y हो गया, फिर 4 kg ऑफ एप्पल्स का हो गया 4x और 2 kg ऑफ ग्रेप्स का हो गया 2y इज इक्वल टू 300। अब हमें क्या करना है इसका, तो हमें इसका बनाना है ग्राफ। तो ग्राफिकली भी दिखलाना है और एल्जेब्रिकली भी दिखलाना है। ठीक है, तो चलो दिखलाते हैं ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली तो दिखला दिया, अब ग्राफिकली दिखलाएंगे तो क्या करेंगे, पहले वाले लाइन के लिए टेबल बनाएंगे। पहले वाले लाइन के लिए जब टेबल बनाएंगे तो एक्स वाई यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, फिर दूसरे वाले टेबल के लिए बनाएंगे एक्स वाई 0 0। तो देखना, पहले में अगर एक्स 0 डालोगे तो वाई आ जाएगा 160 और y 0 डालोगे तो x कितना आ जाएगा 80। इधर अगर y 0 डाल दिए तो x कितना आ जाएगा 300/4, तो 75 आ गया। तो जब y 0 है तो x है 75, और जब x 0 हो जाएगा तो y विल बी इक्वल टू 150। अब इसको हमें ग्राफिकली दिखलाना है। तो बताना जरा, x कहाँ तक गया हुआ है, 80 और इधर 75। तो हम लोग ले लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब y पे देखना, 160 तक गया हुआ है y, 150। 10-10 का लोगे तो इतना स्पेस नहीं है, तुम 20 का ले लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, हमारा काम चल जाएगा। पहला जो पॉइंट था वो था x और y था 160, इसका ये वाला पॉइंट बना लिया। ये वाला पॉइंट चाहिए 80 और 0, तो दिस इज़ द पॉइंट। सीधा यहाँ से यहाँ लाइन ज्वाइन कर दिया। And what is equation of this line? Equation of this line is 2x plus y is equal to, तो 2x plus y is equal to 160। अब दूसरा लाइन हमें बनाना है। दूसरे लाइन में x जो है वो 0 है और ये 150 है, तो 150 का मतलब इसके बीच में, और 75 और 0 का मतलब है इसके बीच में। तो ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। क्या है इस लाइन की इक्वेशन, 4x plus 2y is equal to
हंड्रेड, तो हम क्या लिख देंगे, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, इसलिए कितने सॉल्यूशन होंगे, हेंस नो सॉल्यूशन। मतलब कभी भी ये सिचुएशन सही नहीं माना जाएगा, जो उसने स्टेटमेंट दिया उसने झूठ का है, जिसने भी अपना बिल बतलाया है वो झूठ बतलाया है कि अगर 160 किसी रेट से आ रहा था तो फिर आफ्टर वन मंथ इतना नहीं हो सकता, दिस सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सरसाइज 3.1 का। अब हम लोग बढ़ते हैं 3.2 पे। अगर आपको नोट डाउन करना है स्क्रीन, क्या है एल्जेब्रिकली का मतलब, इक्वेशन हमें दिखलाना है। अभी हमने सॉल्व करने का कोई तरीका तो नहीं देखा ना, अभी हमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कहाँ पढ़ा है, वो तो 3.3 में है। तो एल्जेब्रिकली बस इक्वेशन बना करके हमें शो कर देना है, ठीक है। 3.1 में और कोई तो कॉन्सेप्ट था नहीं, इसलिए इतना ही करना है। अब हम लोग बढ़ते 3.2, जिसमें मेरे पास डाउट का रिक्वेस्ट आया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अगर किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी पूछ सकता है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 फिलहाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, मतलब दिया हुआ है प्रॉब्लम, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पे हमें फॉर्म भी करना है, मतलब इक्वेशन भी बनाना है, वो तो पिछले क्वेश्चन में भी बनाया ही था, और उसको ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। तो ध्यान से सुनना, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मतलब कितने बच्चे थे, 10 स्टूडेंट्स थे। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो मान लेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी, गर्ल्स बी X एंड ऑफ बॉयज बी Y। अब स्टेटमेंट पे ध्यान दो, फिर से लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी X इज, जब भी इज मिले लैंग्वेज में तो हमें क्या पुट करना है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज क्या लिया हमने, Y लिया है, उससे 4 ज्यादा है, पहला इक्वेशन बन गया। डाउट है तो बोलो, फिर से बताएंगे, ध्यान से सुनो। ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स इज, मैथमेटिक्स में जब लैंग्वेज लिखा होता आई एस इज, तो हम उसको सिंबल में क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू 4 मोर देन, मोर देन है तो प्लस होगा, किस में, किससे 4 मोर देन है, तो नंबर ऑफ बॉयज से। लेकिन जब दो वेरिएबल है तो कम से कम दो इक्वेशन भी होने चाहिए, नहीं तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने लगेगा। तो देखो, तो जरा एक और हिंट हमें दे रखा है, पढ़ते हैं आगे। फाइन इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अच्छा 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, यानी कि टोटल गर्ल्स एंड बॉयज कितने थे, 10 थे। सबसे पहला स्टेटमेंट जो था उस पर ध्यान दो, इन्होंने कहा है कि टोटल 10 बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया, तो बच्चे कौन से होंगे, गर्ल्स या बॉयज, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दो इक्वेशन आ गई, फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है। तो 3.2 में हम लोगों ने कोइंसिडेंट पैरेलल वगैरह A1 A2 से निकालना सीख लिया था, तो वो भी हमें करना है। तो देखना जरा, पहले वाले का इक्वेशन प्रॉपर नहीं है, तो x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बना दिया, अब प्रॉपर इक्वेशन हो गया। फिर x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो क्लियरली A1 कितना है 1, B1 कितना है माइनस 1, C1 कितना है माइनस 4, फिर A2 कितना है, सेकेंड वाले इक्वेशन का देखेंगे 1, B2 कितना है बताओ 1, C2 कितना है माइनस 10। अब रेशियो हम लोग निकालेंगे, A1 बाई A2 जो है वो 1 आ रहा है, B1 बाई B2 जो है वो माइनस 1 आ रहा है, और C1 बाई C2 कितना आ रहा है माइनस 4 बाई माइनस 10, तो माइनस माइनस कैंसिल 2 बाई 5 आ रहा है। तीनों में से कुछ भी इक्वल नहीं है, तीनों में से कुछ भी इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था उसका ये फर्स्ट केस हो गया, जब तीनों में से कुछ भी इक्वल नहीं है।
तो हम लिख देंगे कि दिस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट. और अभी तक सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, तो अब ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे. तो फिर से हमें इक्वेशन चाहिए होगा, तो एक बार फिर से लिख लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा. तो चलो टेबल बनाते हैं. पहले वाले का टेबल x y इधर 0 इधर 0. x अगर 0 डाल दिया तो y आ गया माइनस 4, y 0 डाल दिया तो x आ गया 4. इधर हो गया x y 0 और 0. x हो गया 0 तो y हो गया 10, y हो गया 0 तो x हो गया 10. तो देखना x कहाँ तक गया हुआ है, 4 और 10 तक गया हुआ है. यानी हमें इतना लेना पड़ेगा कि x की वैल्यू 10 तक जा सके और y भी 10 तक गया हुआ है, तो थोड़ा सा ज़्यादा एरिया लेना पड़ेगा ग्राफ का. इधर ले लेते 2, 4, 6, 8, 10. इधर भी ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10. तो देखना जरा, पहला है x 0 और y माइनस 4, तो माइनस 2 माइनस 4, तो ये वाला पॉइंट मिल गया 0 और माइनस 4. दूसरा है 4 0 4 0, ये बन गया हमारा लाइन. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, x माइनस y इज इक्वल टू 4. अब दूसरा जो है वो है 0 10, यानी ये वाला पॉइंट, और 10 0 यानी कि ये वाला पॉइंट, इससे पास कराना है लाइक दिस वे. तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन ए. तो मुझे देखने से ए लग रहा है 6.5 और 4. अब पता नहीं आंसर में क्या है, उतना ही होना चाहिए. अगर एग्जैक्ट ग्राफ पेपर लें तब तो सही आएगा. वैसे 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में गर्ल्स 7 और बॉयज़ 3, ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया है. मतलब अगर आप प्रॉपर ग्राफ पेपर लेते और स्ट्रेट लाइन स्केल से अगर रूलर से ड्रॉ करते तो ये कुछ ऐसा आता. मतलब यहाँ से जाना है, ठीक है, और थोड़ा ये भी प्रॉपर आता, नीचे से जाता. मतलब ऐसा करना है कि 6 और 3 बन जाए. यहाँ से ऐसे जाता और ये भी थोड़ा सा और नीचे से ऐसे जाता, ठीक है. मतलब 6 और 3 बन के आता है. अगर ये आपको दिया रहेगा तो ग्राफ पेपर एग्जैक्टली बनाओगे तो सही सही सॉल्यूशन आ जाएगा. 6 और 3 मतलब ऐसा लगेगा कि इसके बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है और 6 के सामने आ रहा है. तो हम लिख देंगे कि x मस्ट बी 6 एंड y मस्ट बी 3, यानी कि 6 जो है 3, लेकिन दोनों का सम तो 10 आ रहा है, 7 होगा. अच्छा एक मिनट, मतलब 7 और 3 को सॉल्यूशन बनाना है तो कुछ ऐसा हो रहा है लाइक दिस वे, और 7 और 3 तो इस तरीके से आएगा, ठीक है. तो दिस इज 7 एंड 3, यानी x हो गया 7 और y हो गया 3, यानी कि 7 गर्ल्स है और 3 बॉयज़ हैं. क्लियर, दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है. नहीं पूछना तो बढ़ते हम लोग सेकंड पार्ट में. ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है. 5 पेंसिल एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट ₹50. 5 पेंसिल एंड 7 पेंस टुगेदर कितना कॉस्ट करता है, ₹50. टुगेदर कितना कॉस्ट करता है, 50. नेक्स्ट में है, वेयर इज 7 पेंसिल
एंड 5 पेन कॉस्ट करेगा 46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन. निकल सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है. फिर हम लोग उसी तरीके से करेंगे. क्या करेंगे बताओ? लेट द प्राइस ऑफ, लेट द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच पेन, यहाँ पर ईच रह गया, लिख लो ईच पेंसिल एंड ईच पेन बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली. देन पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा? 5 पेंसिल है तो 5x, 7 पेन है तो 7y इज इक्वल टू 50. फिर 7 पेंसिल है और 5 पेन है इज इक्वल टू 46. ईजी है इक्वेशन में? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो देखो ए वन इज इक्वल टू 5 पहले वाले इक्वेशन से लिख रहे हैं, ये और माइनस 50 को इधर लेते आओ. तो अच्छा होगा अगर हम प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर दें. पहले वाले इक्वेशन को लिखा तो 7y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, फिर 7x प्लस 5y माइनस 46 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ देखना, ए वन आ गया 5, ए टू आ गया 7, बी वन आ गया 7, सी वन आ गया माइनस 10. सेकेंड इक्वेशन का आ गया बी टू 5, सी टू माइनस 46. अब ए वन बाई ए टू करेंगे तो डैट विल बी 5/7, बी वन बाई बी टू करेंगे तो 7/5, सी वन बाई सी टू करेंगे तो माइनस 10/-46. ज़्यादा से ज़्यादा 2 से अगर डिवाइड भी कर देंगे तो 5/23. तो ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, हैंस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट. ये इंटरसेक्ट का केस हो गया ना, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट. और ये कौन सा केस हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस का हो गया. अब ग्राफ तो आप बना सकते हो ना, ग्राफ बना सकते हो या बनाए बताओ जल्दी. बना सकते हो वत्सल, ग्राफ हो जाएगा या ग्राफ बना दें? क्या हो जाता है तुम्हें वत्सल? तुम अपना माइक म्यूट मत किया करो ना. कहाँ म्यूट है तुम्हारा? तुम्हारा तो सही है. चलो तुमसे बात करते कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है. ये हो गया. उसके बाद से था क्वेश्चन नंबर 5 और 6. क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द, अच्छा उसका ग्राफ डू इट योरसेल्फ मुझे लिखना था. ग्राफ पार्ट DIY, डू इट योरसेल्फ. अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर बताएंगे. अब क्वेश्चन नंबर 5 का जरा सुनो. हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है होज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी विड्थ अगर x है तो लेंथ कितना हो गया? x प्लस 4. क्लियर? इसका कह रहा है कि पेरीमीटर जो है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन देन इट्स विड्थ 36 मीटर, ठीक है, इज, यानी हाफ द पेरीमीटर. पेरीमीटर कितना बनेगा? पेरीमीटर कितना बनेगा? पेरीमीटर हो जाएगा, ये इधर x है तो इधर भी क्या हो जाएगा बताओ? x x x x x ही होगा. मतलब ये वाला लेंथ भी x होगा, ये है x प्लस 4. तो पेरीमीटर तो हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी. तो ये हो जाएगा 2 इंटू x प्लस 4. तो ये कितना आ गया? 2 इंटू 2x प्लस 4, यानी ये आ गया 4x प्लस 8. इन्होंने कहा है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर इज, यानी पेरीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू दे देंगे 36 मीटर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेरीमीटर है 4x प्लस 8. पेरीमीटर की वैल्यू डाल दी, यही था ना पेरीमीटर, यहां पर डाल दिया, अपॉन 2 इज इक्वल टू 36. यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बच जाएगा 2x प्लस 4
इज इक्वल टू 36, नीचे भी 2 था, 2 से 2 कैंसिल, फिर 2x इज इक्वल टू 36 में से 4 गया तो 2x इज इक्वल टू 32 एंड x इज इक्वल टू 16 मीटर था सब कुछ मीटर, तो हम डायमेंशन क्या लिख देंगे, एक है 16 मीटर और दूसरा है उससे 4 ज़्यादा, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 मीटर। क्लियर? यानी इसमें हम लोगों ने देखा कि इन्होंने ना लेंथ और ब्रेथ का जो रिलेशन दे रखा है, तो इससे फ़ायदा ये हो गया कि एक ही वेरिएबल से काम चल गया, मतलब एक ही x से बात बन गई। ठीक है, अगर आप इसको x और y से बनाते तो भी बना सकते थे। पता है क्या करते कुछ बच्चे, विड्थ को मान लेते x तो लेंथ हो जाता क्या उनका y, तब लिखते y इज इक्वल टू x प्लस 4, ये हो जाती उनकी पहली इक्वेशन। और फिर दूसरा क्या करते कि पेरीमीटर निकालते, तो पेरीमीटर लेंथ और सॉरी x और y है तो पेरीमीटर कितना हो जाता 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसका हाफ इज इक्वल टू 36, तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाती। फिर इन दोनों को सॉल्व करो, a1 a2 निकाल करके या ग्राफ बना करके जो भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं आया अभी तक, तो चलो बढ़ते ही हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। अच्छा, इन्होंने कहा है कि अब आप खुद से कोई दूसरा लाइन का इक्वेशन लिखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। दूसरा है कि पैरेलल लाइन बने, और तीसरा है क्या बने, कोइंसिडेंट लाइन बने। तो अब ध्यान देना ज़रा, यहाँ पर इक्वेशन में हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो मुझे ये बताओ कि a1 कितना है 2 है, b1 कितना है 3 है, और c1 कितना है माइनस 8 है। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जब हम a2 b2 c2 चूज़ करेंगे तो ऐसा चूज़ करेंगे अपनी मर्जी से कोई भी, ताकि रेशियो आपस में सेम ना आए। जैसे मैंने यहाँ पर अगर 4 चूज़ कर लिया तो 2/4 कितना आ जाएगा 1/2। तो अब आप b2 नहीं ले सकते 6, ध्यान से सुनना, क्योंकि 2/4 करोगे तो 1/2 आएगा। अगर आपने b2 गलती से 6 ले लिया तो 3/6 क्या आ जाएगा 1/2, फिर रेशियो क्या होने लगेंगे सेम। सो यहाँ पर a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1/b2, वी हैव टू चूज सच a2 एंड b2 सो डैट रेशियो ऑफ a1/a2 एंड b1/b2 का रेशियो जो है वो दोनों आपस में सेम ना हो, तभी तो पहला केस आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपने अगर a2 अपनी मर्जी से कुछ भी चूज़ कर लिया तो b2 अब आप ऐसा नहीं चूज़ कर सकते कि ये दोनों सेम हो जाए। तो b2 6 को छोड़ के कुछ भी डाल दो, कुछ भी, मैंने 1 डाल दिया, और c2 तो कुछ भी डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, c2 मैंने 5 डाल दिया सपोज़ करो। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि b2 कैन नॉट बी इक्वल टू 6 अगर आपने a2 4 लिया है तो। अब a2, b2 और c2 से देन अनदर लाइन मे बी, एक लाइन का तो प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं, अनदर लाइन मे बी, अब बना दो 4x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? वत्सलन स्नेहा, आ गया समझ में? ठीक है, रेज्ड हैंड वत्सल वेद, यस वत्सल पूछो। वत्सल कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। लोअर हैंड, लोअर हैंड का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया? लिखा है ये गलती से।
अच्छा ठीक है, मैंने चैट सेशन खोल करके देखा नहीं है। ठीक है ठीक है, चलो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, उसकी आवाज़ आती क्यों नहीं है वत्सल की? आज फ़ोन पे बात करते हैं उससे हम। पैरेलल लाइंस, तो लाइन की इक्वेशन जो थी वो थी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुझे बताओ, a1 है 2, b1 है 3 और c1 है माइनस 8। तो हमें a2 इस तरीके का चूज़ करना है, जैसे मैंने 4 चूज़ कर लिया, तो 2/4 कितना आ जाएगा, 1/2। तो हमें ऐसा चूज़ करना है कि a1 इज इक्वल टू b1/b2 आ जाए, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के लिए होता है। अब अगर आपने 2 और 4 चूज़ किया तो 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2। तो कोई मुझे बता सकते हो b2 कितना लेना चाहिए, b2 कितना लेना चाहिए? 6 लेना चाहिए। ठीक है, 6 लेंगे तभी जा कर के क्या होगा, 2/4 और 3/6 सेम आ जाएगा। अब c2 पे तो कोई बंदिश नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। मैंने 5 ले लिया, तो इक्वेशन क्या बन गया, 4x फिर 6y, ये क्या मॉडर्न आर्ट बनने लगता है, प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट लाइन का आपको कंडीशन याद है, कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन याद है कि a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2 एंड मस्ट बी इक्वल टू c1/c2 भी होना चाहिए। तो हमारे पास जो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। तो a1 क्या आ गया, 2, b1 क्या आ गया, 3, c1 क्या आ गया बताओ, माइनस 8। तो a2 अगर आपने 4 ले लिया तो 2/4 कितना आ गया, 1/2। तो b2 कितना लोगे, 6, तभी तो आएगा 1/2। और c2 कितना लोगे, 1/2 ही लाना है, तो माइनस 16, तभी तो तीनों रेशियो सेम आएंगे। अब 4, 6 और माइनस 16 से बना दो, सो 4x माइनस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा दूसरा लाइन। ठीक है, तो ये हो गया 5 और 6। अब अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, फिर नहीं है नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में ही शुरू कर देते हैं 3.3। ईजी है पहला वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत ईजी है, तभी मैंने लास्ट के 8 मिनट में भी रिस्क लिया है आपको समझाने का। यहाँ देखो, तो 3.3 में हमें दो मेथड पढ़ने हैं। एक है एलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक मिनट, 3.3 में हमें पढ़ना है एलजेब्रिक मेथड। अब जब 3.3 पढ़ लोगे तो 3.1 का जो एक क्वेश्चन किए थे एलजेब्रिक मेथड, उसको करने का तरीका भी बदल जाएगा। एलजेब्रिक मेथड में दो आते हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आप पहले भी करते रहे होगे साइंस वगैरह के साथ, 9th में जो करते थे वही है, और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और फिर तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड, फिर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3.3 में सिर्फ हमें करना है सब्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, तो इजी है 3.3, ये देखो फटाफट बस 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या है, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे एग्जांपल 7 दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एक इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 सेकेंड इक्वेशन है। ये क्या हो गया, 15y इज इक्वल टू 2 था। अब देखना जरा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि किसी एक से x या y कुछ भी निकाल लो आपकी मर्जी। तो सबसे इजी मुझे सॉल्व करना लग रहा है कि अगर सीधा इस 2y को दूसरे साइड लेते जाएं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल आ रही है, 3 माइनस 2y। आपकी मर्जी, आप जहाँ से जिस भी इक्वेशन से एक तो कोई निकालना पड़ेगा दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में।
अब अगर आपने सेकेंड का यूज करके एक्स की वैल्यू निकाल ली है तो इसको पुट करना है दूसरे इक्वेशन में, तो किस में पुट करेंगे? वन में, पुटिंग इन वन, पुटिंग इन वन. तो देखना सेवन इंटू वन में कह रहा है कि सेवन इंटू एक्स कर दो. अब एक्स हम लोग क्या पुट करेंगे? थ्री माइनस टू वाई, माइनस फिफ्टीन वाई कर दो, तो वाई को वाई ही रहने दो और टू. अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, माइनस सेवन टू जा फोर्टीन वाई, माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू टू. तो माइनस फोर्टीन और माइनस फिफ्टीन कितने हो गए? माइनस ट्वेंटी नाइन हो गए. वाई इज इक्वल टू टू. अब वाई को पूरा उधर लेते जाओ, टू को इधर लेते आओ, तो हो जाएगा, साइड चेंज कर देंगे, तो ट्वेंटी वन माइनस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन वाई. तो ये हो गया नाइनटीन इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन वाई. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 29 इसके नीचे चला जाएगा, 19 by 29. तो हम लोगों ने अगर पहले x के लिए सब्सटीट्यूट किया था तो वैल्यू पहले किसकी निकल करके आएगी? y की. कभी कभी हम लोग यहाँ पर y निकालते हैं तो वैल्यू किसकी आएगी? x की. अब जब y की वैल्यू आ गई तो इसको आपने थर्ड माना था, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, x भी तो चाहिए, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? x और y दोनों चाहिए. तो x इज इक्वल टू थ्री माइनस टू वाई, तो y इज 19 बाई 29. अब देखते हैं आपको कितना एलसीएम आता है. 3 माइनस 19 टू जा 38, यहाँ पर आ गया 29. इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? नीचे 1 है तो 29. 1 से करेंगे तो 29. 29 3 जा कितना हो गया? तो सबसे इजी है, 29 3 जा चाहिए तो 33 जा कर लो 90, और उसमें से माइनस कर दो 3 इंटू 1, कितना हो गया? 87 माइनस 38, तो 17 में से 8 गया तो 9, और 7 में से 3 गया 4 बाय 29. ये x की वैल्यू आ गई. तो लिख देंगे लास्टली x इज इक्वल टू 49 बाय 29 एंड y इज इक्वल टू 19 बाय 29. क्लियर? ऐसा ही आपको हर क्वेश्चन में करना है. अब वेरीफाई करना है हमें कि हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं. तो वेरिफिकेशन वाला पार्ट भी हम लोग देख सकते हैं. एक्स और वाई कैसे निकाला, समझ में आ गया? ये आपकी मर्जी है कि आप पहले यहाँ पर क्या निकालते हो, एक्स निकालते हो या वाई निकालते हो. इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस. पहले वाले इक्वेशन से निकालते हो या दूसरे वाले इक्वेशन से, ये आपकी मर्जी है. लेकिन जिस इक्वेशन का एक बार यूज़ कर लेंगे फिर पुट करेंगे तो दूसरे वाले में पुट करेंगे. अब वेरीफाई का मतलब है कि क्या यही एक्स और वाई उसके सॉल्यूशन है. इक्वेशन हमारा क्या था? 7x प्लस 15y इज इक्वल टू 2 था. इधर था x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. तो हम लोग चेक करेंगे, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 49, ये आप अपने एग्जाम में भी कर सकते हो वेरीफाई करने का सिस्टम कि मेरा आंसर आया है सही या नहीं. दिस वॉज वन, दिस वॉज टू, तो इन एल एच एस ऑफ वन एंड टू, और फिर वेरीफाई करेंगे कि आर एच एस के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है. देखना पहले वाले में है कि आप 7 इंटू एक्स करो यानी 49 बाई 29 करो, और प्लस 5 इंटू वाई करो यानी 19 बाई 29 करो. देखना जरा सॉल्व करके कितना आ रहा है. 7 इंटू 49, 9 7 जा 63, 6 हो गया, 7 4 जा 28 और 6 कितना हो गया? 3 4 3 बाई 29 प्लस 19 5 जा 95 अपॉन 29. तो नीचे का एलसीएम तो 29 ही है. 5 3 8 और 9 4 13, एक्स इज इक्वल टू 49 बाई 29, वाई इज इक्वल टू 19 बाई 29. और इक्वेशन क्या था? 7x माइनस 15y. मैंने कुछ गलत देखा था क्या? एक मिनट, इक्वेशन मुझे चेक करने दो. अच्छा, 7x माइनस 15y था, मैंने उसको प्लस बना दिया. यानी यहाँ पर
थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, माइनस 15y था, ठीक है, तो माइनस कर देंगे 15y, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 15, तो अब ये चीज़ चेंज हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 9 जा 135, तो 5 आ गया, 13 हो गया कैरी, 15 1 जा 15 और 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28। अब 343 में से 285 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 13 में से 5 गया, 8 बचा, ये बच गया 3, 13 में से 8 गया, 5 बचा और 2 2 कैंसिल हो गया, 29 2 जा 58 होता है, जो कि RHS के इक्वल आ रहा है। तो यस, जो हमने एक्स और वाई निकाला वो सही है। सिमिलरली आप ऐसा ही 2 में भी कर लोगे, नहीं कर रहे क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, अब मीटिंग हमारा कभी भी ख़त्म हो जाएगा, तो डू इट योर सेल्फ। यहाँ पर एक्स डाल देना, यहाँ पर वाई डाल देना और देखना 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब होमवर्क में आपको 3.3 कर लेना है और ये मुझे ट्यूसडे को दिखलाना है। कल आपका 3.1 और 3.2 का